मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये एक सिंपल सी बात समझाया कि ये इकोसिस्टम ना अपने आप में एक दुनिया है और इस दुनिया का भगवान आप हो। आपके इस इकोसिस्टम का सूत्रधार सब कुछ आप हो। आप सब कुछ सही करोगे तो मस्त हो। आपने कोई गलती की या कॉम्प्रोमाइज किया तो गड़बड़ होगी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक प्लांटेड एक्वेरियम या नेचर एक्वेरियम या एक्वास्केप आप जो भी बुला लो उसमें फिश कितना होना चाहिए, कितने फिश सही है, ज्यादा मतलब कितना, कम मतलब कितना। तो कितना फिश चाहिए ये बात ना थोड़ा पेचीदा है, कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा समझने की बात है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। पहला चीज क्या समझना चाहिए कि हमारे एक्वेरियम में वाटर वॉल्यूम कितना है। वाटर वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था, सिंपल, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इन सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय 1000 विल गिव यू द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर इन योर एक्वेरियम। सिंपल सा बात, ये एक समझदारी। दूसरा, आपका जो एक्वास्केप है उसमें फंक्शनल या जरूरी फिश कौन से हैं और डेकोरेटिव वो फिश कौन से हैं। तो फंक्शनल फिश ऑटोसिंक्लेस श्रिम, अमानो श्रिम, चेरी श्रिम, एल्गे ईटर्स, साइमीज एल्गे ईटर, ब्रिसल नोज, प्लेको, ये सब फंक्शनल है, मतलब उनका एक फिक्स्ड काम होता है। डेकोरेटिव आपका टेट्रास, रैसबोरास, बाब, जो भी है। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना है कि हर एक जीव का, फिश का या श्रिम्प का एक जरूरत है, एक फंक्शन है, एक रिक्वायरमेंट है, एक उनका एक जगह है और वो इकोसिस्टम में अगर उनका बैलेंस ना हो तो आपका इकोसिस्टम बिगड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक श्रिम्प वाला टैंक बनाया और उसमें टेट्रास डाले तो वो मतलब गलत हो जाता है, बिकॉज टेट्रास श्रिम्प के बच्चे खाएंगे और वो श्रिम्प टैंक का मतलब नहीं रहेगा। चलो, आपने एक जंगलस्केप बनाया, उसमें बार्ब्स डाला, जैसे टाइगर बार्ब हो या डेनिसोनी हो या कोई भी बार्ब हो, और उसमें आपने श्रिम्प्स बहुत सारे भर के डाले, तो याद रखो अगर आपका स्केप बहुत डेंस नहीं है, घना नहीं है, तो श्रिम्प को छिपने का जगह नहीं मिलेगा और बार्ब श्रिम्प को खा जाएगा, अगेन इम्बैलेंस। तो पहला चीज जो आपको समझना चाहिए यह है कि फंक्शनल फिश हमको कौन सा चाहिए। इसलिए जब हम टैंक सेटअप करने के लिए समझाते हैं ना, तो हम आपको पहले बोलते हैं कि फर्स्ट 45 डेज में आप सिर्फ श्रिम्प ऑटोसिंक्लेस वैसे वाले मच्छी डालो। तो इंटरनेट में विकी हाउ में समझाया गया है कि 1 गैलन या 3.5 लीटर पानी में 1 इंच का मच्छी होना चाहिए, लेकिन ये बहुत गलत बात है, बिकॉज समझो मेरे पास 10 इंच का मच्छी है, सो 30 गैलन, अगर उस हिसाब से 30 गैलन में मतलब 3.5 × 10, 35 लीटर के टैंक में मैं 10 इंच का मछली डाल सकता हूं, नहीं डाल सकता हूं, तो ये फॉर्मूला ही गलत है। इसमें फॉर्मूला कुछ है नहीं, इसमें सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो ये टैंक लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ये 3 फीट बाय 1.5 फीट बाय 1.5 फीट, मतलब 90 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर।
approximately 110-120 liters of water. 120 liter water में हमने पूरा scape बनाया. ये scape में अगर हम cherry red shrimp लेते हैं ना, तो कम से कम starting में एक 25 या 30 तक डाल सकते हैं. Amano shrimp 10-12, auto sinkless 6, Siamese algae eater 2 या 3. अब आप पूछोगे क्यों? देखो, छोटे श्रिम्प जो है चेरी श्रिम्प, वो हर जगह घुसते हैं, ठीक है? और हमको चाहिए भी कि वो हर जगह घुसे. छोटे छोटे होंगे, उनके बच्चे होंगे, और हमको चाहिए कि वो रिप्रोड्यूस करे फिश डालने से पहले. मैं समझाता हूं क्यों. अमानो श्रिम्प रिप्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन सब जगह घूमते हैं, तो वो 10-12 जो है जो भी आलगे हैं खाते रहेंगे. अभी ऑटो सिंक्लेस अगर 10-12 डालेंगे तो वो भी सेम ग्लास पे इधर उधर स्टोन पे वुड पे खाते रहेंगे. साइमीज एलिगेटर्स 2-3 किससे ज्यादा चाहिए नहीं है टैंक में, बिकॉज वो बड़े हो जाते हैं. और साइमीज एलिगेटर का फंक्शन क्या है, ब्लैक ब्रश एलगे अगर है तो डालें, अगर नहीं है नॉट नेसेसरी. और इसमें मैं कैटफिश नहीं डालूंगा, जैसे ब्रिसल नोज हो या वो एल सीरीज हो, तो वो मैं डालूंगा नहीं, बिकॉज उनका आदत ही है वुड को खाना और प्लांट्स को भी खाएंगे, सॉफ्ट टिश्यू वाले प्लांट्स को खा जाएंगे. तो ये इंपॉर्टेंस है इसका अंडरस्टैंडिंग का. अब आते हैं फिश में. यहां पे दो इंपॉर्टेंट पार्ट है. एक जो डेकोरेटिव मैंने बोला था, जो सुंदर दिखे. दूसरा फंक्शनल, बिकॉज अभी हमारे पास 50 के ऊपर श्रिम्प है, तो कोई ऐसा फिश भी होना चाहिए जो रेगुलरली श्रिम्प खाना ही उसका फंक्शन हो, जैसे बम्बल बी गोभी, ड्वार्फ गोरामी, एंजल, ये सब 2 एंजल या 3-4 बम्बल बी गोभी, इतना भी नहीं कि वो पूरा श्रिम्प खा जाए, या अपिस्टो का एक पैर डालो वो भी श्रिम्प खाएगा, या राम रेजीज एक पैर. ये अग्रेसिव फिश है, ये श्रिम्प पॉपुलेशन कंट्रोल करके रखता है, ये स्कूलिंग फिश को मूवमेंट में रखता है, ये सब उसका फंक्शन है. अब आते हैं डेकोरेटिव में. डेकोरेटिव में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे कार्डिनल टेट्रा, रमिनोस टेट्रा, सर्पे टेट्रा या हार्लिक्विन राजबोरा, ये सब फिश जो है वो तभी उनका असली कलर दिखाएंगे जब टैंक या इकोसिस्टम वेरी वेरी गुड कंडीशन में हो. मैंने ये पहले भी बोला है, रमिनोस टेट्रा जो है ये उसका नाक अगर पूरा लाल हो जाता है तो मतलब आपका इकोसिस्टम बहुत सुंदर है, ठीक है? तो ये बेसिक फंक्शंस है. तो कितना अभी फिश डाल सकते हैं? कार्डिनल्स और रमिनोस टेट्रा एक 100 लीटर टैंक में, ऐसा टैंक में एक 12-12 24 मछली. याद रखो, अगर मछली कम है तो नाइट्राइट जो वापस आता है वो भी कम हो सकता है, बायोलोड कम हो सकता है. मछली ज्यादा है तो बायोलोड ज्यादा होगा और आपका फिल्टर का फंक्शन कम हो सकता है, ठीक है? एल्गे इस वजह से भी आता है, एक इनिशियल टैंक में जब प्लांट ग्रो हो रहा है, सडनली आप देखोगे कि प्लांट ग्रोथ कम होता है बिकॉज फिश ही नहीं है, और फिश डालोगे तो फटाफट प्लांट ग्रोथ ज्यादा होगा बिकॉज फॉस्फेट बढ़ रहा है, ऑटोमेटिक. छोटी छोटी चीज है ये, ओके? तो एक 120 लीटर टैंक में हमने डाला है 20 से 30 चेरी रेड श्रिम्प, एक 12 अमानो श्रिम्प, 6-8 ऑटो सिंक्लेस, 3-4 बम्बल बी गोभी श्रिम्प खाने के लिए, एक 12 कार्डिनल्स और रमिनोस टेट्रा. यही टैंक में 2 एंजल भी होते थे स्टार्टिंग में, बट एंजल बड़े हो गए, हमने निकाल लिए. और इसमें इधर उधर थोड़े कॉरल रेड पेंसिल या माउंटेन मिनोज वो भी है, इधर उधर घूमते रहते हैं अंदर क्रेविसिस में, थोड़ा श्रिम्प का बच्चा बच्चा उठाते हैं और थोड़ा कलर भी लाते हैं. तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? सो एक 30 लीटर टैंक अगर हम श्रिम्प के साथ बना रहे हैं तो मस्किटो राजबोरा डालो, 12 तक डाल सकते हो, छोटे हैं ना, बहुत छोटे हैं तो मैनेज हो जाएगा. अगर वही 30 लीटर या 1/1
क्यूब में आपको ये साइज के टेट्रास डालने हैं, जो 1 inch के टेट्रास है, तो 5, ठीक है, वो बैलेंस हो जाता है 5-6. एक नॉर्मल 2 feet टैंक जो है, ठीक है, फॉर्मूला मत कहो बट एक अंडरस्टैंडिंग है, एक नॉर्मल 2x1x1 टैंक में हम लोग 30 मछली तक डालते हैं, 30 फिश स्मॉल साइज विद इन 1 inch. अगर आपने बार्ब्स लिया तो वो नंबर कम होएगा, मे बी ओनली अबाउट 16 or 18. अगर आपने कॉन्गो टेट्रा या कोई डेनिसोनी बार्ब जो बड़े हैं वैसे वाले कुछ डाले तो और कम, ठीक है, मे बी 6-8. तो उस हिसाब से आपके टैंक के हिसाब से आपको फिश डालना इंपॉर्टेंट है. अभी प्रॉब्लम्स, समझो आपने फिश ज्यादा डाल दिया, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? फिश ऊपर आएंगे बिकॉज ऑक्सीजन कम है, ठीक है, गंदगी जल्दी बढ़ेगा बिकॉज फिश ज्यादा है, ठीक है. और ऐसा हो भी सकता है कि सडनली 4-5 फिश मर जाए, ये बिकॉज अमोनिया बिल्डअप हो सकता है, मच्छी ज्यादा है ऑक्सीजन कम, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है. तो अगर ये दिख जाए तो आपको पता है कि मछली ज्यादा है और मछली कम करना है. हाँ, अगर मछली दिखे ना तो मछली बहुत कम है, डाल दो 4-5, ठीक है. और कोई भी एक्वेरियम में एक बैलेंस ढूंढना बहुत जरूरी है. ये बैलेंस समझदारी से आता है, अंडरस्टैंडिंग से आता है, ऑब्जर्वेशन से आता है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो मैं हमेशा की तरह आशा करता हूं कि ये पॉइंट भी आप समझे और आप अपने टैंक में सही मात्रा में मछलियां डालें, ठीक है. तो बहुत जल्दी वापस आएंगे टॉप 10 फिश फॉर बिगिनर्स इन प्लांटेड एक्वेरियम, मतलब इजी टू कीप फिश टॉप 10 जो बिगिनर्स है एक्वास्केपिंग में या प्लांटेड एक्वेरियम में, उनके लिए कौन से फिश है, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है. तो थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज एंड शबा खैर. बहुत जल्दी आएंगे टॉप 10 फिश फॉर प्लांटेड एक्वेरियम बिगिनर्स के साथ. देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, एंजॉय करते रहिए. बाय.